देश के बड़े व्यवसायी वी जी सिद्धार्थ के गायब होने की खबर आ रही है। वी जी सिद्धार्थ देश की सबसे बड़ी कॉफी चैन कैफे कॉफी डे के मालिक थे। वी जी सिद्धार्थ कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व विदेश मंत्री एस एम कृष्णा के दामाद भी थे। कर्नाटक पुलिस द्वारा सिद्धार्थ के मंगलुरु के निकट नेत्रावती नदी में कूदकर आत्महत्या करने की आशंका प्रकट की जा रही है। न्यूज एजेंसी ANI ने सिद्धार्थ का एक सुसाइड नोट भी ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने आर्थिक परेशानियों का हवाला दिया है। 60 वर्षीय सिद्धार्थ सोमवार को सकलेशपुर जाने की बात कहकर बेंगलुरु से निकले थे। रास्ते में सिद्धार्थ ने ड्राइवर को मंगलुरु चलने के लिए कहा। उलाल ब्रिज पर पहुंचकर सिद्धार्थ कार से उतर गए। सिद्धार्थ ने ड्राइवर को कुछ दूर जाकर इंतजार करने के लिए कहा। सिद्धार्थ ने कहा कि वह पैदल चलकर आएंगे, लेकिन वह कार तक नहीं पहुंचे। करीब एक घंटा इंतजार करने के बाद ड्राइवर ने परिवार के सदस्यों को सूचना दी। नेत्रावती नदी के ऊपर बना 1 किलोमीटर लंबा उल्लाल ब्रिज मंगलुरु से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सोमवार रात करीब 9 बजे एक व्यक्ति के उल्लाल ब्रिज से नेत्रावती नदी में कूदने की सूचना के बाद मंगलुरु पुलिस ने सघन खोज अभियान शुरू किया है। अभियान में 200 पुलिसकर्मी और 25 गोताखोर लगाए गए हैं। इसके अलावा हेलीकॉप्टर और स्थानीय बोट सर्विस की सहायता भी ली जा रही है। पुलिस ने नेत्रावती में कूदने वाले व्यक्ति के जीवी सिद्धार्थ होने की आशंका प्रकट की है। जीवी सिद्धार्थ की खोज में लगाए गए कुत्ते भी पुल के बीच में जाकर रुक गए हैं। पुलिस घटना की हर एक दृष्टि से जांच कर रही है। सिद्धार्थ द्वारा अंतिम समय पर की गई फोन कॉल्स की भी जांच की जा रही है। कैफे कॉफी डे के सीनियर अधिकारी और परिवार के सदस्य खोज अभियान की निगरानी के लिए मौके पर पहुंच गए हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री VS येदियुरप्पा, सीनियर कांग्रेस नेता DK शिवकुमार और BL शंकर ने बेंगलुरु के सदाशिव नगर स्थित निवास पर जाकर SM कृष्णा से मुलाकात की है। कैफे कॉफी डे के इस समय देश भर में 1750 आउटलेट हैं। कंपनी की सालाना कमाई 2000 करोड़ रुपए के आसपास है। सिद्धार्थ का जन्म कर्नाटक के चिकमंगलूर में हुआ था। उन्होंने मंगलुरु यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद बिजनेस की दुनिया में कदम रखा था। 2 साल मुंबई में GM फाइनेंशियल में मैनेजमेंट ट्रेनी की नौकरी करने के बाद सिद्धार्थ मंगलुरु आ गए थे। उन्होंने कॉफी उत्पादन का कारोबार शुरू किया और कुछ ही वर्षों में वे देश के सबसे बड़े कॉफी एक्सपोर्टर बन गए। सुसाइड नोट में जीवी सिद्धार्थ ने आर्थिक दबाव का हवाला दिया है। उन्होंने इनकम टैक्स विभाग पर भी परेशान करने के आरोप लगाए हैं। जीवी सिद्धार्थ ने अपने इस कदम के लिए अपने साथियों और परिवार के सदस्यों से माफी मांगी है।